इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था डाउट वाला, वो था 0 से पाई वाई टू 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये भी याद करिए, लास्ट मंथ में 24, 25, 26 तारीख के आसपास के कॉपी का नोट्स उठाकर देखिएगा, उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सॉल्व करने के लिए करना कुछ नहीं रहता है, बस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते तो सोचिए, न्यूमरेटर में करते तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आता, जिसे हमने सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया। इसमें अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते तो ये आपका टेन स्क्वायर एक्स बन जाता, और इसमें करते तो यहाँ तो 1 आ जाता। अब करना क्या था, टेन स्क्वायर एक्स का कोफिशियंट देखिए ए स्क्वायर है, इस पूरे में से अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, वो कॉमन निकल कर यहाँ आ गया, ये कुछ हमारा इस तरह से नजर आता। अब इसके बाद आपको टेन एक्स को टी लेट करना था, टेन एक्स को टी लेट करने पर आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है डी टी में चेंज हो जाता, ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स जो है ये आपका डी टी में चेंज हो जाता है। लिमिट चेंज कर देते, लिमिट चेंज करने के बाद कुछ आपको इस तरह का ये चीज नजर आता, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए या 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए। फॉर्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर तो पहले से बाहर था, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए है। यहां पर सोचिए ये बी अपॉन ए का ए जो है ऊपर जाता, ऊपर जाकर यहाँ के एक ए से कैंसिल होता, 1 अपॉन ए भी बचता, और यहाँ का ए जो है ऊपर चला जाता, तो ये हमारा 10 इनवर्स 80 अपॉन का बी बचता। लिमिट पुट करते, लिमिट पुट करने पर आपका वैसा आता, 10 इनवर्स 0 तो अपने आप में 0 हो जाएगा, 10 इनवर्स इनफाइनाइट अपने आप में और कुछ नहीं, पाई बाई 2 है। फाइनल आंसर हमारा आता पाई अपॉन 2 ए बी। बहुत ही सिंपल सा भी ये क्वेश्चन था। इसके बाद जो आपका डाउट का अगला क्वेश्चन था वो था 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहां पर ध्यान दीजिए ऊपर में एक्स आ गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने डाउट में जो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है। ये बहुत सारा फर्क जो है इसलिए आ गया क्योंकि ऊपर में एक एक्स नजर आ रहा है। यहां पर हमने क्या किया, ये साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखा, और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा। इसके बाद इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद यहां पर ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 जब ऊपर जाता तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बनता, ये अपॉन का 2 जो है वैसे का वैसे ही है, यहां से एक 2 कैंसिल, एक कॉस और यहां का एक कॉस कैंसिल, ये हमारा 10 एक्स बाई 2 बनता। अब ये इंटीग्रेशन लिमिट के साथ जो है दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहां पर यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाकर इसे आप सॉल्व करिए, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। यहां पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, लास्ट तक इसको ऐसे ही लिखते रहना है। सबसे पहले u v का फॉर्मूला लगेगा तो ये जो 2 है ये बाहर में रहेगा, x हमारा वैसे ही sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन, लिमिट जो है पहले ब्रैकेट पर पूरे पर रहती है, माइनस चूंकि हाफ ये जो था आपने बाहर निकाला था, बाहर निकाले थे ना इस 2 को, तो मैंने जब मल्टीप्लाई करके लिखा तो फर्स्ट वाले पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड वाले पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले पर तो लिमिट यहीं लगती है, डिफरेंशिएशन x का रहता है, इंटीग्रेशन वापस से sec स्क्वायर x बाई 2 का रहता है, और जैसा बात हुआ था कि इस वाले हिस्से को हमें वैसे ही लेके चलते रहना है। ये हमारा 1 बाई 2 वैसे का वैसे ही, एक्स हमारा वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10 एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का नीचे में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ना,
इंटीग्रेशन करते समय उसका नीचे में डिफरेंशिएशन है ये, बाकी ये लिमिट हमारा वैसे ही, ये 1 बाई टू हमारा वैसे ही है, 0 से पाई बाई टू, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन 10 एक्स बाई टू और अपॉन में एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन, और ये हिस्सा तो हमारा वैसे ही चला आ रहा है। सोचिए ये 1 बाई टू में का 2 जो है जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा 2x 10x बाई टू बचता, यहाँ से भी 1 अपॉन 2 का 2 जब ऊपर जाता ये 2 10x बाई टू आता, ये 2 और ये 2 अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा यहाँ x इंटू 10x बाई टू 0 से पाई बाई टू, और ये हिस्सा में 2 और 2 जब कैंसिल होगा जो बच रहा है ये माइनस साइन के साथ, और ये वाला हिस्सा देखिए प्लस साइन के साथ, लिमिट के साथ मिलाकर देखिए दोनों चीजें सेम हैं, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाते, फाइनली हमारा यही बचता, यही बचता, तो इस लिमिट को बस हमें यहाँ पुट करना था, पुट करके जब आप इसे सॉल्व करते तो फाइनल आंसर आपका आता पाई अपॉन टू, यही है इसका फाइनल आंसर।